पिछोर नगर में माता बहनों ने की आज दुर्गा अष्टमी की पूजा। पिछोर में आज माता के मंदिरों पर दुर्गा अष्टमी की पूजा अर्चना की गई। पिछोर के बिजासन माता मंदिर, शीतला माता मंदिर, काली माता मंदिर, देवीपुर माता मंदिर, शारदा माता मंदिर पर आज सुबह से ही माता बहनों की भीड़ देखने को मिली। आज दुर्गा अष्टमी वाले दिन नगर की सभी माता बहनों ने मंदिरों पर जाकर दुर्गा अष्टमी की पूजा की। माता के मंदिरों पर भक्तों द्वारा जवारे चढ़ाए गए, जिसमें भक्तों द्वारा बताया गया कि बिजासन माता मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है और जो भी सच्चे मन से बिजासन माता से मनोकामना मानता है तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बिजासन माता मंदिर पर पाटा पूजन का भी बड़ा महत्व बताया जाता है। जो भक्त बिजासन माता को मानते हैं वह बिजासन माता मंदिर पर पाटा पूजन करने जरूर आते हैं। बताया जाता है कि देश विदेश से भी भक्त नवरात्रि के समय बिजासन माता के मंदिर पर पूजा करने के लिए आते हैं। बिजासन माता सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। आज अष्टमी के दिन सुबह 5 बजे से ही अष्टमी पूजा के लिए माता बहनों की भीड़ मंदिर में देखने को मिली। सभी ने बड़े ही विधि विधान के साथ दुर्गा अष्टमी की पूजा अर्चना की। संवाददाता सचिन राज भट्ट की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? संजीव पुरोहित। अच्छा पुरोहित जी, बीजासन माता मंदिर पे आए हैं और बताया जाता है ये काफी प्राचीन मंदिर है, आज अष्टमी की पूजा भी हो रही है, क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से यहाँ मान्यता लोग बोलते हैं पूरी होती है? मैं आपको बताऊँ, ये जो माँ बीजासन का मंदिर है, बीजासन माता मंदिर है, यहाँ की पिछोर की कुलदेवी भी हैं और अष्टमी पूजा यहाँ पे जिनके घर में अष्टमी पूजती है तो वो अष्टमी पूजन भी यहाँ पे होता है और विदेशों से भी लोग बाग यहाँ पे पूजने आते हैं। यहाँ की मान्यता है कि जो भी मन से मुराद मांगी जाती है वो पूरी होती है, ऐसा भी कहा जाता है और देखा भी है लोगों ने। यहाँ पे पहले एक वृद्ध व्यक्ति थे जिनकी आँखें नहीं थी, लेकिन माता के आशीर्वाद से वो यहाँ पे सफाई करते रहते थे, कुछ दिनों बाद उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है और न जाने कितने यहाँ पे चमत्कार होते हैं, साक्षात चमत्कार वाली देवी जी हैं। तो ये मंदिर कितना प्राचीन बताया जाता है? ये तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन जब से हम छोटे थे हम तो 40-50 साल से देख रहे हैं ये मंदिर स्थापित है, लेकिन और भी बहुत प्राचीन मंदिर है ये। तो यहाँ पाटा पूजा भी का महत्व है बताया जाता है? यहाँ पाटा पूजन की एक महत्वता है कि यहाँ की जो बिटिया रहती है वो बिटिया यहाँ रहेगी तो पाटा पूजने उसको यहाँ आना पड़ेगा, तो जो बिटियाँ यहाँ से शादी होके अन्य जगह पहुँच गई हैं, कोई जगह किसी अन्य देशों में भी पहुँच गई हैं, कुछ जगह वहाँ से भी वो नवरात्रि में या जब भी उनको सुविधाजनक मिलता है तो वो पाटा भर के यहाँ से जाती हैं।